गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इन आवर लास्ट वीडियो, इन आवर लास्ट लेक्चर, वी गेस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूस एंड इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो टुडे we will go ahead and we will see our last subtypes of a tense, that is perfect tense. Before going to start a perfect tense, we must have to remember sentence structure of this tense. In perfect tense, here are subject, to have form, and verb which is in past participle form, and then object. जैसे first video में हमने देखे थे to be form, to have form and to do form. So in perfect tense we have to use to have form in present, past and future tense. Now to have form only change in a perfect tense, and remaining all the sentence matter will remain same. For example, if we have to make a present perfect tense, at that time we have to use have or has. If we have to use past perfect tense, at that time we have to use to have form as a had. And when we have to use, we have to make a future perfect tense, at that time we have to use shall have or will have. Now in perfect continuous tense we also use this to have form. Jaise ki present टेंस बनाना है तो हैव कब यूज़ करना है और हैज कब यूज़ करना है ये हमने देखा है। भी हैव कब यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू एंड दे, तब यूज़ करना है हैव। और जब सब्जेक्ट रहेगा ही, शी और इट, तब यूज़ करना है हैज। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही टू हैव फॉर्म है, दैट इज हैड। हैड यूज़ करना है टू हैव की जगह पे। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है तब यूज़ करना है शैल हैव और विल हैव। अभी शैल हैव कब यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट रहेगा आई और वी, तब यूज़ करना है शैल हैव। और बाकी सब्जेक्ट रहेगा जैसे कि वी, ही, शी, इट, दे, तब यूज़ करना है विल हैव। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन। Now see one by one. Firstly we will see present perfect tense. Here subject plus to have, yani ki have or has, or verb in past participle form and object. Those sentences we had taken since simple tense will continue for the perfect tense. I had also clear here. Now see simple tense, जो हमने सेंटेंस देखा था आई वॉच अ मूवी, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस करना है आई, एंड बिकॉज ऑफ आई टू हैव वी यूज हियर, दैट इज हैव। आई है इसलिए यहाँ पर हैव यूज़ करना है। और वॉच का पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर वॉच्ड, जो यहाँ पर ईडी लगाता है, वही सिंपल पास्ट में, वही परफेक्ट टेंस में सेम ही है। यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो वहाँ पर एज इट इज़ सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हुआ आई हैव वॉच अ मूवी। सेकंड सेंटेंस, रेखा वहाँ पर था, रेखा राइट्स अ लेटर, जो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस था, या पास्ट में था, रेखा रोट अ लेटर,
प्रेजेंट कंटिन्यूस में था रेखा इज़ राइटिंग अ लेटर, पास्ट में था रेखा वॉज राइटिंग अ लेटर, और फ्यूचर में था रेखा विल राइट अ लेटर। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट करना है रेखा, अभी रेखा शी है इसलिए यहाँ पर हैज, रेखा हैज रिटर्न अ लेटर, यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न है, राइट रोट रिटर्न, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस हुआ रेखा हैज रिटर्न अ लेटर। नाउ सी थर्ड सेंटेंस, जो वहाँ पर हमने प्रेजेंट में देखा, सिंपल में देखा था वी गो टू कॉलेज, जिसका हमने पास्ट किया था वी वेंट टू कॉलेज, सिंपल फ्यूचर उसका बनाया था वी शैल गो टू कॉलेज, प्रेजेंट कंटिन्यूस था वी आर गोइंग टू कॉलेज, पास्ट कंटिन्यूस था वी आर गोइंग टू कॉलेज, फ्यूचर कंटिन्यूस था वी शैल बी गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट परफेक्ट करना है थर्ड सेंटेंस का वी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगा हैव, गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में गॉन, गो वेंट गॉन, और ऑब्जेक्ट है टू कॉलेज, यानी कि सेंटेंस अपना होगा वी हैव गॉन टू कॉलेज। अभी ये सेंटेंस अगर हमें पास्ट परफेक्ट में करना है या फ्यूचर परफेक्ट में करना है, व्हाट विल चेंज, कैन यू गेस, राइट, ओनली टू हैव फॉर्म विल चेंज। लेट अस सी पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस आई हैव वॉच अ मूवी, यहाँ पर होगा आई हैड वॉच अ मूवी। सेकंड सेंटेंस रेखा हैज रिटर्न अ लेटर, और यहाँ पर होगा रेखा हैड रिटर्न अ लेटर। थर्ड सेंटेंस वी हैव गॉन टू कॉलेज, और यहाँ पर होगा वी हैड गॉन टू कॉलेज। यानी कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस रहता है और वो हमें पास्ट परफेक्ट के लिए आता है, तो यहाँ पर खाली क्या करना है, हैव हैज की जगह पर हैड यूज़ करना है। वही अगर फ्यूचर परफेक्ट के लिए आता है तो हैव हैज हैड की जगह पर शैल हैव, नहीं तो विल हैव यूज़ करना होगा, ठीक है। दीज आर द हिंट। सो ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। नाउ सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट शैल और विल प्लस हैव, यानी कि शैल हैव अदरवाइज विल हैव। भी शैल हैव कब यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट रहेगा आई और वी तब यूज़ करना है शैल हैव, अदरवाइज विल हैव। और वह का जो फॉर्म है वो यहाँ पर सेम ही है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अगर ग्रामर में टेंस लर्न करना है तो वर्ब के तीनों फॉर्म्स हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज वी अनेबल टू ट्रांसफर अ सेंटेंस एज वेल एज टू फाइंड आउट द टेंस। ओके, नाउ सी योर एग्जांपल। आई बिकॉज ऑफ आई वी विल यूज हियर शाल, जैसे सिंपल फ्यूचर में हमने देखा था आई शैल वॉच अ मूवी, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट करना है आई शैल हैव वॉच अ मूवी। सेकंड सेंटेंस वापरता रेखा विल रिटर्न अ लेटर, यहाँ पर है रेखा विल हैव रिटर्न अ लेटर। एक बात ध्यान में रखो, जो सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब से वही कंटिन्यूस के लिए, वही परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए और वही परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ करना है। ओनली देर इज अ एक्सेप्शन टू हैव, खाली यहाँ पर हैव ऐड करना है। रेखा विल हैव रिटर्न अ लेटर। और थर्ड सेंटेंस है वी शैल गो टू कॉलेज, और यहाँ पर है वी शैल हैव गॉन टू कॉलेज, और इसका फ्यूचर कंटिन्यूस क्या था, वी शैल बी गोइंग टू कॉलेज। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या था, वी शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज।
सिंपल फ्यूचर था वी शैल गो टू कॉलेज, और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है वी शैल हैव गॉन टू कॉलेज। सो इस प्रकार से हमें सिंपल टेंस से परफेक्ट टेंस तक पढ़ाई करनी है। अगर कोई भी सेंटेंस आपको आता है तो उसके पहले आपको कंसिडर करना है, मानना है या आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है। अगर टेंस आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं तो ये उस सेंटेंस को आप बाकी जो 11 टेंस रहते हैं तो उसमें आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड यू मस्ट हैव टू रिवाइज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस टेंसेस वी हैव टू सी अ सिंपल वन ऑफ अ एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल हियर आर फाइव सेंटेंसेस। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई अ टेंस एंड आफ्टर देन वी हैव टू ट्रांसफर अ सेम सेंटेंस इन टू रिमेनिंग टेंस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस राहुल सॉ अ ड्रीम यस्टरडे। राहुल सब्जेक्ट है, सॉ इज अ वर्ब एंड अ ड्रीम ऑब्जेक्ट। यस्टरडे इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यस्टरडे इन लास्ट वीक इन लास्ट मंथ, लेकिन मेन सब्जेक्ट राहुल वर्ब ऑब्जेक्ट सॉ और अ ड्रीम इज अ ऑब्जेक्ट। अभी ये सॉ सी सॉ सीन ये वर्ब्स फॉर्म है, यानी कि इसका मेन वर्ब है सी। सॉ इज अ वर्ब इन सेकंड फॉर्म। नाउ यू हैव टू रिवाइज वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, राइट, इन पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वी टू और ऑब्जेक्ट। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस दिया है सिंपल पास्ट का, अभी सिंपल पास्ट आपको दिया है तो इसी सेंटेंस को आपको क्या करना है, बाकी जो दो सेंटेंस है सिंपल के, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस सेंटेंस को आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है। बाद में कंटिन्यूअस टेंस के दो एग्जांपल रहेंगे, तीन एग्जांपल रहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और लास्ट में इस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है इनटू परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी ये एक सेंटेंस आप कंसिडर करने वाले, मानने वाले या आइडेंटिफाई करने वाले, वो सेंटेंस आपको लिखना है और उसके नीचे राइट करना है द गिवन सेंटेंस इज अ सिंपल पास्ट टेंस, और बाकी जो सेंटेंसेस है उसको आपको कन्वर्ट करना है। सिंपल टेंस जो बाकी दो बचे हैं उसमें कंटिन्यूअस के तीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीन और परफेक्ट के तीन, यानी कि इस प्रकार से आपको ये पहला सेंटेंस का 11 टेंस के एग्जांपल्स बनाने हैं। सेकंड सेंटेंस दे आर डिगिंग द रोड, ये सेंटेंस आपको कंसिडर करना है, आइडेंटिफाई करना है और बाकी जो बचे हुए 11 टेंस है इस सेंटेंस को आपको ट्रांसफ़र करना है। अभी ये सेकंड सेंटेंस कौन सा है, दे आर। नाउ वेयर वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब एज अ आर और वर्ब इन विथ आईएनजी फॉर्म, राइट, इन अ कंटिन्यूअस टेंस। अभी आर कब यूज़ करते हैं या कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में, यानी कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका आपको सिंपल के लिए तीन टेंस बनाना है, कंटिन्यूअस के दो बनाने हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीन बनाना है और परफेक्ट टेंस के तीन, यानी कि ये तीन 11 टेंस आपको बनाना है। थर्ड सेंटेंस वी आर लर्निंग अ ग्रामर, दिस इज द सेम सेंटेंस ऑफ द सेकंड, दे आर डिगिंग द रोड वी आर लर्निंग अ ग्रामर, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। देन नेक्स्ट सेंटेंस नेहा सिंग अ सॉन्ग, अभी यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक्स दिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिए, ये आपको वहाँ पर राइट करना है, यानी कि टेंस कौन सा है वो राइट करना है और ग्रामर एरर दिया है तो ये ग्रामर एरर भी आपको करेक्ट करना है, यानी कि ये सेंटेंस करेक्ट कर आपको लिखना है
और बाकी सेंटेंस आपको 11 टेंस में कन्वर्ट करना है। अभी आपको ग्रामर एरर क्या रहेगा तो ये पता होना चाहिए। नेहा सिंह सॉन्ग, इज इट करेक्ट और रॉन्ग, पता रहेगा आपको अगर आपने ठीक से लर्न किया होगा या सुना होगा तो डेफिनेटली श्योरली यू विल गेस द ग्रामेटिकल एरर इन अ गिवन सेंटेंस। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको, ये सेंटेंस करेक्ट करके राइट करना है। नेहा सिंग अ सॉन्ग, दिस इज अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। व्हाट इज करेक्ट सेंटर, करेक्ट सेंटेंस, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, राइट, बिकॉज ऑफ शी, बिकॉज ऑफ नेहा, यस और यस एडेड टू द वर्ब, यानी कि नेहा सिंग्स अ सॉन्ग नॉट अ सिंगर सॉन्ग, ये ग्रामर करेक्शन है। ठीक है, ये करेक्ट करके, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर बनाओ और बाकी कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कन्वर्ट करना है। देन लास्ट सेंटेंस, माय ब्रदर विल बी बिकम अ कलेक्टर, दिस इज अनदर सेंटेंस वी हैव टू राइट अ करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस राइट करना है और बाकी जो सेंटेंस है वो वहाँ पर कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पर जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, यानी कि किस प्रकार से आपको ग्रामर मिस्टेक्स निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहले सेंटेंस में मैंने ग्रामर एरर क्या था वो बताया, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है और बाकी 11 टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस टेंसेस वी हैव फिनिश योर कंटेंट। ओके, थैंक यू।